अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयरो मिलियनेयरो, आज मेरे साथ हैं जहांजेब नय्यर। आज आपको हम सिखाने वाले हैं कि स्टॉक फोटोग्राफी होती क्या है, कितने में शुरू हो सकती है, आपको कितने फोटोज चाहिए ताकि आप 1,00,000 रुपए महीना कमा सको, कितना वक्त लगेगा एंड कौन कौन से फोटोज आपको खींचने चाहिए, कहाँ पे आपको बेचने हैं वगैरह वगैरह। इनको साथ इसलिए लिया हुआ है क्योंकि अनलाइक मी इन्होंने स्टॉक फोटोग्राफी की हुई है, पिछले 10 साल से करते आ रहे हैं। इट्स अ पार्ट टाइम थिंग और पार्ट टाइम ही मैं आपको शुरू में रेकमेंड करूंगा, ठीक है, बट फुल टाइम करेंगे तो ज्यादा मिठाई क्योंकि हमारे वेले बहुत ज्यादा लोग हैं। यू कैन चूज इट एज अ करियर पाथ, लेकिन क्योंकि ये मार्केट कॉम्पिटिटिव हो रही है, पार्ट टाइम करें, तजर्बा हासिल कर लें, देन इफ यू फील लाइक कि भाई मुझे जॉब छोड़ के या वैसे यही मुझे अपनी फुल टाइम जॉब बनानी है, तो वो बाद में आप फैसला खुद कर लेंगे। अच्छा, स्टॉक फोटोग्राफी होती क्या? आप किसी मैगजीन वेबसाइट पे जाते हैं या अखबार खोलते हैं या मैगजीन ही खोल लेते हैं, मैगजीन तो आजकल कोई नहीं खोलता, वेबसाइट्स ही होती हैं। अभी कोई भी अगर तस्वीर देखिए इंटरनेट पे, वो कहीं ना कहीं से आई है। यस, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि पैक्सल्स है, unsplash.com है, वहाँ से आप मुफ्त की उठा सकते हो, बट उसके बरक्स वी हैव आई स्टॉक, शटर स्टॉक, वो अडोबी का फोटोलिया है, ड्रीम्स टाइम है, बहुत सारी इस किस्म की वेबसाइट्स हैं, पॉइंट फाइव हो गया, जहाँ पे आप एक्चुअली खरीदते हो इमेज। अगर आप फर्ज करिए freepic.com पे भी जाओ, आप कुछ चीज़ ढूंढते हो तो ऊपर वाला सारा हिस्सा वहाँ पे होता है कि जी ये शटर स्टॉक से आया है, जी आई स्टॉक से आया, ये खरीदने वाला माल है और ये क्या कहते हैं अपना मुफ्त का है। नीचे वाला जो माल है, यस मुफ्त का है, हम उससे गुजारा कर सकते हैं, लेकिन कुछ इदारे ऐसे होते हैं जिनको 100% गारंटी चाहिए कि हमने पैसे दिए हुए हैं, हमने लाइसेंस मटेरियल इस्तेमाल किया हुआ, क्योंकि नीचे तो भाई चोरी का भी हो सकता है, ठीक है, बगैर इजाजत के किसी ने वैसे ही अपलोड कर दिया हो, या नीचे बहुत कॉमन चीज़ है, यार ये तो हर बंदा इस्तेमाल कर रहा है, मुझे ऐसी चीज़ चाहिए जो कम लोगों ने इस्तेमाल किया, अनोखी है। रैंकिंग भी कोई चीज़ होती है गूगल में, और वो गूगल एक फैक्टर देखता है कि इसका पेज कितना यूनिक है। हो गई गल, अब बात आती है इनकी हिस्ट्री कि आपको कितना अरसा हो गया, और ये सिर्फ फोटोज की बात नहीं है, वीडियोस भी आजकल चलते हैं, वो आपने वीडियोस देखे होंगे टॉप 10 फलाना फलाना, ये वैसे ही कोई लाइफस्टाइल का वीडियो चल रहा है, हेल्थ का चल रहा है, पीछे से जितने वो बीचेस के सीन, वो सिटीज़ के सीन, वो आदमी वो क्या कहते हैं पोर्टफोलियो लिए हुए चल रहा है या बिजनेस सूट पहना हुआ है, वो फुटेज भी बेचा जाता है, उसको भी स्टॉक फोटोग्राफी जैसा स्टॉक फुटेज बोला जाता है। सो दिस टू ज़राए ऑफ इनकम अगर आप कैमरे के सेवी हो, अगर आप कैमरे के माहिर हो। अच्छा जानते आप बताएं, व्हेन डिड यू स्टार्ट, अपनी कहानी सुनाएं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली आज़ाद भाई, मुझे 2005 में किसी ने डिजिटल कैमरा गिफ्ट किया, तो मेरे लिए एक बड़ा नया कॉन्सेप्ट था कि रील की जरूरत नहीं है और ये वेट नहीं करना तस्वीरों के लिए, अभी खींची और अभी उसको देख लिया। उसमें स्क्रीन था, वो उसमें स्क्रीन था, बहुत फाइन पिक्स का 3.2 मेगापिक्सल का कैमरा था बैक इन द डे। बट कि उसमें इंटरेस्टिंग ये था कि आप देख सकते हो अपनी तस्वीर को और यू कैन पुट इन द कंप्यूटर में डाली और यू कैन सी दिस। अच्छा, इंटरेस्टिंगली फास्ट फॉरवर्ड अ बिट, दुबई में मैं किसी काम के सिलसिले में गया, तो वहाँ पे मुझे ये पता चला कि ऑनलाइन जो है आप कोई वेबसाइट्स हैं उस पे अपनी फोटोज अपलोड करके तो बेच सकते हैं, यू कैन अर्न सम एक्स्ट्रा बक्स। तो मैंने क्या किया कि कुछ जो मुझे अच्छी लगी मेरी आई के मुताबिक, तो मैंने उसको अपलोड कर दी और थोड़ा सा उसमें कीवर्ड्स और टाइटल का लिखा था, मैंने सीख लिया जल्दी जल्दी से, सीख के मैंने कहा चले कर दें, तो तकरीबन कोई मैंने 5-7 फोटोज अपलोड की और आई जस्ट फॉरगेटेड, मेरा उसका लगाया वाला हासिल, मैं फिर अपने दूसरे कामों में हो गया। अच्छा, मुझे एक दिन ईमेल आई, वो जो वेबसाइट जिस पे मैंने अपलोड किया था, वो एक पिकॉक की तस्वीर थी, वो सेल हुई और उसमें कुछ कहना था कि यू हैव अर्निंग, ठीक है ना, मैंने देखा आई वाज ओवर द मून। अब कितने पैसे थे? अब वो ज्यादा नहीं थे, वो दे वाज लाइक 20 सेंट्स समथिंग ना, बड़ी चीज थी। अच्छा, यार कुल्फी मिल जाती थी। एग्जैक्टली अब मेरे लिए वो 20 सेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं था, मुझे था मैं इसका पोटेंशियल देख रहा था कि अगर एक फोटो जो कि मैं सेल कर सकता हूँ तो आई कैन मे बी सेल 100 and 1000s एज वेल। तो तब जो वो एक थोड़ी मोटिवेशन भी मिल गई कि भाई यार ये प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मिल गया ना। तो फिर मैंने क्या किया कि जब भी मुझे वीकेंड्स पे टाइम मिला, जब भी मैंने किसी जगह ट्रैवल किया, और यूएई में है कि थोड़ा ग्लोबल विलेज काइंड है कि आपको बड़ी अच्छी सी इवेंट्स वगैरह मिल जाते हैं, जगह मिल जाती हैं, मुझे जितनी कोशिश हुई और अपना थोड़ा सा ना मैंने कोशिश की स्किल्स जरा डेवलप करूं, यानी कि वो क्राउड से थोड़ा हटके मेरा हो, तस्वीरें जरा बेहतर हो, अपने आपको ना पर्सनल डेवलपमेंट मुनफरद होगा उतनी ज्यादा बिकेगी। एग्जैक्टली तो उसमें क्या किया कि मैंने फिर वो मेरा पोर्टफोलियो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया। विद इन द पोर्टफोलियो एक दफा क्या हुआ कि मैंने क्योंकि उसमें थोड़ा वीडियो का भी था
मैंने फौरी तौर पर क्या किया, अपने कैमरा को अपग्रेड किया, मुझे थोड़े पोटेंशियल नज़र आया, मैंने कहा इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए बहुत थोड़ी सी। तो उसमें फिर वीडियो की कैपेबिलिटी थी 720p उस टाइम पे, तो मैंने वो एक वीडियो भी अपलोड कर दी, वो जो वेबसाइट थी, कोई और वेबसाइट्स मैंने, Shutterstock उसमें साउंड था वीडियो में जो पहले थी उसमें नहीं था, साउंड नहीं था, बट एक वो क्योंकि विजुअली थी 720, वही कह रहा हूँ जमाने नाजुक नाजुक थे, क्वालिटी भी 720 की इतनी थी नहीं थी जो आजकल इतनी क्लियरिटी होती है। वो मैंने अपलोड की, वो आई थिंक दुबई क्रीक की थी, क्रूज जा रहा है उसकी बना ली। अच्छा वो जब सेल हुई वो सेंट्स में नहीं, अब सेल हुई वो डॉलर्स में से, दे वर लाइक $8 or $10 की ना, तो उधर से मुझे पता लगा कि 35 dirhams ना, और वो भी, और मजे की बात जो आप बात करते हैं ना पैसिव इनकम, यानी कि ट्रूली पैसिव इनकम, एक वीडियो बनाई उस पर थोड़ी सी मेहनत की, टाइटल्स और कीवर्ड्स अच्छे से लगा दिए, नाउ आई एम स्लीपिंग, मैं अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ, अपनी जॉब कर रहा हूँ, तो वो जो वेबसाइट इस पर अपलोड की है वो पूरी दुनिया के क्लाइंट्स के सामने वो पड़ी हुई है, और वो उसको सर्च कर सकते हैं अगर दुबई क्रीक की किसी को वीडियो चाहिए। अच्छा वीडियो वो सेल हुई, अब मुझे पोटेंशियल लगा कि फोटोज़ पे मैं मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा पार्ट टाइम था, मैं फुल टाइम और जो जॉब पे मेरा फोकस था, तो मैंने कहा कि जो 50 फोटोज़ अपलोड करनी है और उसकी जो भी होगा, तो एक वीडियो मैं क्यों ना करूँ, क्योंकि टाइम भी कम है, थोड़ी वो कहते हैं ना कि 80-20 रूल भी उसमें थोड़ा आ गया, कि उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें जो कि आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न्स दे रहा। तो मैंने देखा कि वीडियो इज द, फिर मैंने सीखा, फिर मैंने एकदम इतनी ज़्यादा वीडियोज़ बना के अपलोड की, सब रिजेक्ट हो गई। तो वो जल्दी थी ना, हाँ एग्जैक्टली, तो आपको भी जल्दी का ना मैं रखवाऊंगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ठीक है, अगर आपकी अगर वीडियो आप सेल करना चाह रहे हैं तो आपने फिर ना क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करना। हाँ। आपने सब्जेक्ट बहुत ध्यान से सोचना कि आजकल क्या ट्रेंड्स चल रही हैं, आजकल पेंडेमिक चल रहा है, तो पेंडेमिक में ऑफकोर्स लोगों को पेंडेमिक की वीडियोज चाहिए, लोगों ने मास्क पहना हुआ है, लोग सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, लोग मॉल्स में जा रहे हैं, तो क्या SOPs का ध्यान रखते हैं, तो वो जो चीज़ है, जैसे एक कोई बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड चल रहा है तो हर कोई की कोशिश होती है कि मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा तो वो ऑर्गेनिक व्यूज आ जाएंगे। ट्रेंड की बात करता हूँ, दो कैटेगरीज होती हैं, ओके। एक कंपनी जिसका मैंने जिक्र नहीं किया, गेटी इमेजेस, ठीक है। अब गेटी इमेजेस वो वाली साइट नहीं है कि जो यार आप तकिए की तस्वीर खींच रहे हो, थम्मे की खींच रहे हो, कुत्ती बिल्ली की खींच रहे हो, गेटी इमेजेस मैक्रो फोटोग्राफी पे पैसे देती है, और वो चंद सेंट नहीं देती, वो $30 to $300-$500 देती है। वो ट्रेंडिंग फोटोज जो होते हैं ना, कोई खास किसी प्रोटेस्ट पे, वो फोटो जो यार न्यूयॉर्क टाइम्स में लगेगा, ठीक है, या आपने किसी सेलिब्रिटी को पकड़ लिया इन किसी सिचुएशन में, उसकी कोई चीज गिर रही है, वो उसमें मेकअप नहीं पहना हुआ, ये जो भी होते हैं पता ना, गेट इमेजेस मैक्रो इमेजेस करती है, और ये जो माइक्रो वाले हैं ना, ये जो हम आपको सिखा रहे हैं, ये वो बाकी जिनका मैंने जिक्र किया था, ये भी दो कैटेगरीज हैं। अगर आप समझते हो कि यार आई हैव एक्सेस टू तगड़ी तगड़ी सामियां, तो वो भी आप कर सकते हो, वहां पे आपने सेंटो में नहीं डॉलर में बात करनी है। आजाद भाई इस पे मैं आपको ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा वाक्य सुनाऊं। बुर्ज खलीफा की जब ओपनिंग थी ना, पूरी दुनिया का मीडिया वहां पे आया हुआ था, मैं अपना ट्राइपॉड और कैमरा लेके मैं भी पहुंच गया। अच्छा वो एक हिस्टोरिकल इवेंट था, ठीक है, पूरी दुनिया की नजर थी कि दुनिया की सबसे बुलंद बिल्डिंग इनॉग्रेट होने वाली है, और ये एक ही दफा इनॉग्रेट होनी है, ये बार बार, हाँ बार बार फायरवर्क्स हो जाएंगे न्यू ईयर पे, बट ये इनॉग्रेट सिर्फ एक दफा होनी है। मैं लेके अपना कैमरा ट्राइपॉड पहुंच गया, एंड आई रिमेंबर कि मैंने उसकी वीडियो बनाई। टिल दिस डे आई थिंक 2009 or 2010 की बात है जब इनॉग्रेट हुआ, टिल दिस डे आई एम सेलिंग दैट फुटेज। और एक और बात है, एक फोटो एक बार नहीं, हजार बार बिक सकता है, 10,000 बार बिक सकता है, बिकता जाएगा। क्या होगा कि शायद मे बी आप 100 फोटोज या वीडियोज लगाओगे, 5-6 ऐसे होंगे जो कई 100 बार बिकेंगे, 60-70 ऐसे होंगे जो एक बार भी नहीं बिकेंगे। सो इट्स लाइक ऑलमोस्ट, और आप साथ साथ सीखते जाओगे, और जब भी आप इस बिजनेस में दाखिल होंगे, आई वुड हाईली रेकमेंड कि आप ऐसे ना करोगे जाते साथ ही जी मेरे पूरा पोर्टफोलियो 5-6,000 मेरे पास फोटोज मैंने अपलोड कर दिए, थोड़े थोड़े डालो ताकि आपको समझ लगे कि कौन सी चीज़ बिकती है कौन सी नहीं बिकती। और फिर जो मैंने सब्र वाली बात की थी, क्योंकि हम ना थोड़ा वापस इस बिजनेस की तरफ आते हैं, फर्ज करो Shutterstock पे आप जाते हो या दूसरी साइट्स पे आप जाते हो, ये नहीं कि जाते साथ ही आपने अकाउंट खोला और जी वेलकम जी आओ जी अपलोड करना शुरू कर दो। आप जाओगे एप्लीकेशन डालोगे, वो कहेंगे आपकी जो top 10 तगड़े वाले फोटोज हैं ना वो हमें दिखाओ, यानी क्वालिफिकेशन भी कोई चीज़ होती है ना, आप इस काबिल होकर हम आपको अपनी वेबसाइट पर आने दें,
आप वो 10 वीडियोस अपलोड करोगे और ठीक ठाक हफ्ता दो लगेंगे उनकी रिव्यूइंग प्रोसेस, और फिर वो आपको कहेंगे यस आपका अकाउंट खुल गया या हमने आपको रिजेक्ट कर दिया। सो वो जो तावले बंदे हैं ना वो तो कोशिश ही ना करें। ओके, एक ये बात हो गई। दूसरी बात हो गई इस पर कॉस्ट क्या आती है। आजकल एक तो हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, वो हम उस पर बात करेंगे। देर आर वेबसाइट्स, ड्रीम टाइम्स हो गया, और एक मेरे जहन में नहीं आ रही, सुना था कि अच्छा सब क्या कहते हैं स्टार्टअप है, फ़ोन ही के अंदर आप ऐप के अंदर अपलोड करते हो, वो मुझे मिल नहीं रही। लेकिन इसको आप फिलहाल भूल जाएं, अनलेस कि आप इससे फोटो खींच के लेके आएंगे ऑन योर पीसी एंड देन यू गोना अपलोड। ठीक है, DSLR से फोटो खींचे जा रहे हैं, यू मस्ट गेट 4K केपेबिलिटी, क्योंकि भाई ऐसा ही है। अभी मैं आपको इस पे 4K पे ही बताऊंगा कि अब जो नए कुछ रूल्स आए हैं उसके मुताबिक, क्योंकि 4K की रेजोल्यूशन ज़्यादा है और वो मोस्ट प्रोबेबली वो वेब पे नहीं यूज़ होती, वो डॉक्यूमेंट्रीज में यूज़ होती है, नेटफ्लिक्स वगैरह। मेरी कुछ एक दो क्लिप्स थे जो कि मैंने ड्रोन से लिए थे, और मुझे जब उसकी मैं इनसाइट्स में गया तो मुझे पता लगा कि किसी नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री जिसमें यूज़ किया। तो डेफिनेटली 4K के आजकल हम कैमराज कर सकते हैं, उसको अफोर्ड कर सकते हैं, तो डेफिनेटली गो फॉर 4K। और उसके अगर वेब पे यूज़ होगा तो उसकी थोड़ी रॉयल्टीज कम होगी, बट एक आपको अपना बेस्ट वर्जन पुट फॉरवर्ड करना है। आपको क्या करना है, आपको अपने में कंपेटिटिव एडवांटेज लाना है, ताकि 90% लोग 4K कैमरा नहीं इस्तेमाल कर रहे, आप 4K इस्तेमाल कर रहे हो, यानी कि आप 90% जो लोग हैं उनसे आप पहले से ही आगे हो। ठीक है, आपको उनके साथ कंपीट नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ जो 10% टॉप है उनसे कंपीट करना पड़ेगा। आजकल कैमरा कितने का मिलता है जिससे ये ठीक ठाक गुजारा कर सके। अच्छा, आज हम वो जो एंट्री लेवल DSLR है वो भी यूज कर सकते हैं। मैं सबको ये दूंगा कि थोड़ा इन्वेस्ट करें, अपने स्किल पे फोकस करें, ये एक दफा आपका स्किल बेस्ट होगा, क्योंकि जितनी कम फीचर्स होंगे ना आप उतना ज्यादा मैनुअल की तरफ जाएंगे, आप उतना ज्यादा आपके रिस्ट्रिक्शंस होंगी, तो आप सोचोगे यार इस क्रिएटिविटी कैसे लाऊं। फिर जब आप अपना बाद में अपग्रेड करोगे देन यू विल बी गुड टू गो, फिर आपके लिए इजी भी होगा उस प्रोडक्शन पे फोकस करना, और आप इतने कैपेबल भी होगे कि हर किस्म के एनवायरनमेंट में आप उसकी अच्छी वीडियोस ला सकें। ठीक, कॉस्ट क्या, फलूस कॉस्ट देखा जाए तो आपको अगर, क्योंकि मैं अभी पिछले 5-7 साल से टोटली फोकस वीडियो पे कर रहा हूँ, तो वीडियो में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है आपकी स्टेबलाइजेशन का। तो आपको एक बहुत अच्छा थोड़ा सा हैवी ट्राइपॉड लेना होगा, ट्राइपॉड पे अपना इन्वेस्ट करें। फिर कैमरा, तो जैसे आपने कोई सेमी प्रोफेशनल कैमरा ले लिया जो कि बेसिक 24 फ्रेम्स 4K अगर बनाता है तो दैट्स गुड टू गो। ठीक है, वो आपने के लिए। अब आपने शुरू में कोशिश करें नेचुरल लाइटिंग की आप करें, आप लाइटिंग पे इन्वेस्ट ना करें। लाइटिंग ना डालें, क्योंकि उससे थोड़ा करप्ट हो जाता है। तो आप क्या करें, नेचुरल जो लाइटिंग है उसमें लैंडमार्क्स की तस्वीरें खींचे। आप अगर कोई प्रोडक्शन करना चाहते हैं कोशिश करें कि नेचुरल लाइट को ज्यादा यूज करें, क्योंकि लाइटिंग बहुत एक मूड बनाती है ना, एक सीन का मूड बनाती है। और आजाद भाई, इसमें ऐसा है कि जो सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है ना, अब क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है, कंज्यूमर्स के पास DSLR आ गए हैं, अब जो अपॉर्चुनिटी है वो यंग फिल्म मेकर्स के लिए की है, जो ये प्रोडक्शन सीख रहे हैं, कि आप क्या करें, नीश को पहचाने अपनी। नीश पे हम आएंगे, दे आर स्टिल इंतजार कर रहे हैं कि कितना पैसा लगेगा एक कैमरा। लाख रुपया बहुत है। लाख में आपको अच्छा एक ट्राइपॉड भी मिल जाएगा, आपको एक कैमरा भी मिल जाएगा, बेशक सेकंड हैंड हो, DSLR सेकंड हैंड, एज लॉन्ग एज ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ वो आप देख लीजिएगा, इट शुड बी फाइन। और एक लेंस आपका जो वो किट लेंस साथ में ही आ जाएगा, जो कि थोड़ा किट लेंस, ठीक है, किट लेंस मतलब 18 से 135 पे कर लें, ताकि आप थोड़ा सा क्लोज टू द एक्शन भी हो जाएं। कभी ऐसे इवेंट पे जाएं जब बंदा करीब नहीं जा सकता, तो एक बंदा टेलीफोटो लेंस ले ले, एक बंदा मैक्रो कोई सी लेंस ले ले, एक हां बस बिल्कुल कल मुक्की। ठीक है, 20,000 6,000 और उसकी वो भी तकरीबन ज्यादा ही है, बट 1,00,000 रुपए में स्टार्ट तो करो। ठीक है, अब बात हो रही है जी पैसे कितने कमा सकते हैं। अगर हम बड़ा 50,000 महीने का कहते हैं, ओके 50,000 हम महीने हम कितना हमें वक्त लगेगा। जो एवरेज इंडस्ट्री की है वो ये है कि आपको 8 सेंट्स हर महीने ऑन एवरेज पर फोटो कमा के देता है। 8 सेंट्स 12 रुपए बनते हैं। अगर आपको 50,000 रुपये कमाने तो आपको 4,000 फोटोज अपलोड करने पड़ेंगे। ठीक है, अब वो आप दिन में करें साल में करें आपकी मर्जी, लेकिन आप एक एवरेज रख लेंगे जी भाई मैं जब भी फारग होऊंगा करता जाऊंगा। आई हैव पीपल आपके सामने, मैंने जिसको अभी मैसेज किया था, एक बंदा है जिसकी एवरेज है 13 सेंट्स। ठीक है, अब वो 13 सेंट्स और 8 सेंट्स में क्या फ़र्क है।
आठ सेंस वो है एवरेज इंडस्ट्री का, वो मारा भी उसमें है, अच्छे वाला भी उसमें है। अब ये जो 13 सेंट्स वाला है, इसका मुझे ये पता है कि ही स्टार्टेड लास्ट ईयर और ये अपने आप को बेहतर से बेहतर होता जा रहा है, उसको नीशेज अपनी समझ आ रही हैं फूड और वो टेक्सचर पे जोर लगा रहा है, तो जी हो गया जी 13 सेंट्स। उससे पहले अभी जिसको मैंने मैसेज किया था आप अपनी एवरेज निकाल के बताओ, तो 40 सेंट्स यानी कि 60 रुपये पर फोटो उसकी इनकम है, और वो इसलिए क्योंकि उसको कई साल हो चुके हैं, ठीक है। सो व्हाट्स हैपनिंग इज कि जितने आप बेहतर होते जाते हो, ये फोटोज की सिर्फ बात कर रहा हूँ, इनमें से किसी ने फुटेज अभी अपलोड नहीं किया। फुटेज वाले जो भाईजान है फैसल भाई का, मैंने आपको दिखाया भी था, देयर इज अ कोर्स जो वो कर रहे थे, उनका इंट्रोडक्शन करवाया था बिकॉज मैं समझा था वो काबिल बंदे हैं, तो ही डज इट ड्रोन से भी उन्होंने किया, मैनुअल भी उन्होंने किया, ही इज़ वन ट्वाइस प्रेसिडेंट साहब से क्या कहते हैं उन्होंने वो प्राइज़ भी जीती है माशाल्लाह, पाकिस्तान के बेस्ट फोटो जो उन्होंने खींचा था माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब बात होती है कि जी एंट्री क्या है, कॉस्ट इसकी, प्रोसेस क्या है जी, सब्र करना पड़ेगा, वो पोर्टफोलियो आहिस्ता, और एक जगह पर नहीं आप 10-10 मार्केट्स पर आप बेच सकते हो, ठीक है। That's एक और चीज मजे की, मैं क्या कहूंगा जो टॉप 10 है ना, है तो यार 60-70-80 वेबसाइट्स हैं, लेकिन छोटी वाली पे कोई अपना फायदा ही नहीं है अपलोड करने का। डू ऑन द टॉप 7 आप पकड़ लो, टॉप 5 आप पकड़ लो, और अपलोड करना भी आसान नहीं है। ये नहीं कि भाई मैं 1000 ऐसे बटन दबाऊंगा अपलोड हो जाएंगी, उनके पास कोई AI नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आपको मैन्युअली बताना पड़ेगा। ये जी कुत्ता है, आप ये नहीं कह सकते कि जी एनिमल, आपको बताना पड़ेगा कुत्ता है, आप मजीद जाना पड़ेगा, ये जी लैब्राडोर है, ये जी पप्पी है, ये जी 6 महीने का, नीश 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 डिस्क्रिप्शन आपको लगानी है। अगर आप समझते हैं कि यार एक फैमिली बैठी हुई है, तो यू मस्ट मेंशन कि फैमिली बैठी हुई है, डिनर पे बैठी हुई है, ईद का जमाना है, क्रिसमस का दौर है, सो दैट्स वो जो सारे उसमें कीवर्ड्स जो हैं वो आपको बहुत काम आएंगे, राइट, टू गेट योर सेल्स, क्योंकि आपको सोचना है खरीदने वाले के जावी से वो कब इसको इस्तेमाल कर रहा है। वी नॉट टॉकिंग अबाउट करंट इवेंट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट करंट इवेंट्स भी बड़ी जबरदस्त है, किसी सेलिब्रिटी का लगा दो तो बार बार जब वो इस्तेमाल होगा फोटो उनके बारे में कोई खबर निकलती है तो आपको पैसे मिलते रहेंगे, बट या लैंडमार्क्स बड़ी जबरदस्त हैं इस काम में आती हैं। फूड सदाबहार, राइट, टेक्सचर्स का क्या मतलब होता है, सीनरी भी हो सकती है, लोग इंस्पिरेशनल लाइफस्टाइल मैगजीन्स, ये इंस्टाग्राम सारे पे इस्तेमाल करते हैं, कोट्स इन पे लिखते हैं, बट टेक्सचर्स क्या हो गया जी, कालीन का टेक्सचर, ये सड़क का टेक्सचर, ये दीवार के टेक्सचर, ये शटर किसी का ले लिया, किसी ने आर्टवर्क बनाया हुआ होता है ना, जो उसकी एक तस्वीर खींच लो, कल्चरल सो फोर्थ। लेकिन नीच में जाओगे और ख़ुद की नीच में जाओगे तो यू विल बी फार बेटर, ठीक है। अच्छा, अब बात होती है बंदा फुल टाइम करे पार्ट टाइम करे, आई टोल्ड यू दिस कि जॉब के साथ साथ करते जाओ, और अगर आप क्या, और इट विल नॉट टेक यू अवे, कोई ये नहीं कह सकता कि जी यानी किसी बॉस को इतराज़ नहीं होना चाहिए, एंड इट्स अ पैसिव इनकम। आहिस्ता आहिस्ता इनके 6-7 दिन लगे थे पहली चीज़ बिकने में, क्या सो जितने डालते जाओगे उतनी आपकी बिकती जाएगी, एंड दैट्स एसेंशली इट, ठीक है। तो कुछ चीज़ें मैंने शायद आप समझते हैं कि मैंने मिस कर दी हूँ, थिंग्स लाइक पेमेंट पाकिस्तान में आती है, पेमेंट बिल्कुल इसका, जैसे कि हमें पता है कि पेयोनियर के थ्रू हम पेमेंट इसको मंगवा सकते हैं, इसको कुछ वेबसाइट होती है उनका थोड़ा थ्रेश होल्ड होता है, वो चाहते हैं कि थोड़ा $30 या $50 आपके होंगे, तो फिर क्योंकि पेमेंट पे खर्चा भी होता है, एडमिन कॉस्ट भी होती है, बिल्कुल। और एक जो मैं प्रो टिप देना चाहूँगा वो ये है कि जब भी आप किसी वेबसाइट पे अपलोड करें तो उसकी कम्युनिटी का थोड़ा हिस्सा बने, और वो फिर क्या करेंगे कि जो वेबसाइट है वो वीकली ना एक लिस्ट ऑफ शॉर्ट्स है जो कि वो कहती है कि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो सबसे ज़्यादा इन शॉर्ट्स को चाह रहे हैं कि हमें डिमांड है, तो आपको कोई गेस वर्क भी नहीं करना पड़ेगा, आपको एग्जैक्टली वो एक प्रिंट आउट करें शीट पर, उस पर सिनेरियोज लिखे होंगे कि एक फैमिली है जो कि ये लाइक मुस्लिम फैमिली वाचिंग अ टीवी, मुस्लिम रनिंग इन अ जिम, ये मुस्लिम वाली बात अपने, ये हमारे टोटली आई थिंक दिस इज अ सेक्टर जहाँ पे कोई हास नहीं है। मैंने कितनी वेबसाइट्स पे देखे घोड़ों की अपनी वेबसाइट्स पे घोड़ों की तस्वीरें लगी होती हैं, व्हाई कांट वी फाइंड इंडियन पाकिस्तानी फुटेज, क्यों नहीं हमें मिलता हमारे जैसे ऑफिस में काम कर रहे हो, यू नो अजी होस्टिंग कंपनी हमारी, लेकिन सारे उसमें ना स्कूल का होगा, सारे घोड़े बैठे हो, किधर ताड़े घोड़े, कोई नहीं, ठीक है, दैट्स गुड। टेल देम अबाउट के बंदूक की तस्वीरें क्यों नहीं खींचनी। हाँ, एक चीज जो आपने ध्यान रखना है कि
क्योंकि जो ये वेबसाइट्स होती हैं इनसे क्लाइंट जो है वो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, तो वो जो मॉडल जो है उस फोटो में या वीडियो में उसकी इजाज़त ज़रूरी है। किसी बंदे की अगर आप तस्वीर खींचेंगे और उसकी शक्ल वाजे है उसमें, तो क्या होगा, वो मॉडल करार देगा, ठीक है, और उस मॉडल की इजाजत के बगैर आप उससे पैसे नहीं कमा सकते। तो यू विल नीड एन इजाजतनामा जो बड़ा लंबा रफड़ है और आपकी अपलोडिंग में वो हिंड्रेंस डालेगा, यानी दिक्कत होगी आपको। तो बेहतर ये है कि आप ऐसी चीज़ें जो जानदार नहीं है या कि कोई उसका मालिक नहीं है कोई खास, ठीक है, उनकी तस्वीरें खींचें, यू विल हैव लेस प्रॉब्लम्स। इंटरेस्टिंगली मैं जब अपने किसी फ्रेंड्स वगैरह से साइन करवाता था तो वो कहते थे यार प्रॉपर्टी तो नहीं मेरे नाम कर रहे। तो इट्स अ ये थोड़ी सी आपको वो चीज़ होती है, बट एक लॉन्ग टर्म के लिए यू आर गुड टू गो लीगली, सब आपके ना वो चीज़ें पूरी होती हैं। और अगर आपको लेट्स से के कोई बहुत बड़ा ब्रांड है, उसको वो तस्वीर बस दिल को लग गई है, या वो फोटो उसको दिल को लग गई है उस मॉडल को, तो ही विल पे यू मुंह मांगी कीमत देगा। बट है कि अगर आपने वो फिर मॉडल रिलीज नहीं लिया होगा तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए अपने वो जो पूरे जो प्रीरिक्विजिट्स हैं ना उसको पूरा आप कोशिश करें उसको। ये इन्होंने जो कही ना मुंह मांगी बात, ऐसे भी कभी कभार होता है कोई ब्रांड आता है या कोई कंपनी आएगी, देखेगी यार ऐसी तस्वीरें जो ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुई और उसको पसंद आ गई है, वो कहेगी मेरे से ना ओनरशिप राइट्स ले लो। और ओनरशिप राइट्स आपको मैंने एक बार दिखाया था एक वीडियो में कि एक बच्चे ने पता नहीं $3,000-4,000 की एक लोगो पे वो क्या कहते हैं ओनरशिप राइट्स बेच दी, ठीक है। तो ऐसे कभी कभार होता है, उसमें क्या होगा उसके बाद वो आप तस्वीर किसी मार्केट पे बेच नहीं पाएंगे, वो उनकी मलकियत हो जाएगी। उससे पहले आप सिर्फ आप इस्तेमाल करने की राइट्स बेच रहे हो, ठीक है। कल को किसी ने यार ये आपने देखा होगा न्यूयॉर्क टैक्सी का एक ये कैनवस था छपता है, ठीक है, वो एक बंदे ने तस्वीर खींची थी, जब वो कैनवस बिकता है हर बार उसको पैसे मिलते हैं, हर प्रिंट पे उसको पैसे मिलते हैं। सो अल्लाह करे आपकी भी क्या कहते हैं किस्मत ऐसी हो कि दैट योर ऐसे कोई आपको एजेंसी मिल जाए जो आपकी बार बार तस्वीर खींच लेती जाए। मीनार पाकिस्तान का फैसल भाई ने कहा था कि शायद 52 टाइम्स वो बिक चुकी है। मीनार पाकिस्तान वही मीनार पाकिस्तान जो जिसको हम कुछ नहीं समझते, दुनिया खरीद रही है। सो फाइनली आई थिंक मैं जो कहना चाहूँगा वो ये होगा कि ये वो मार्केट नहीं रही जो 10-15-20 साल पहले थी। उस वक्त फोटोग्राफी खास खास कुछ कुछ लोग करते थे, लेकिन एट द सेम टाइम उस वक्त डिमांड भी कम थी। उस वक्त ख़रीदने वाले कौन थे, वेब तो ख़रीदती नहीं थी, मॉडेम पे तो तस्वीर डाउनलोड ही नहीं होती थी, मैगज़ीन ख़रीदती थी और मैगज़ीन महीने में एक बार पब्लिश होती थी, ठीक है। मैगज़ीन वही आप वेब पे चली गई है, हर रोज़ पब्लिश होती है, 30 गुना ज़्यादा उसकी डिमांड हो चुकी है, वी कंज्यूम अ लॉट मोर मीडिया बिकॉज ऑफ द इंटरनेट। बस आई थिंक प्राइस गिर गई है, जहाँ पे पहले $20-30 का एक फ़ोटो बिकता था, अब वो 30 सेंट का बिकता है। यही हुआ है, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उस वक्त 2,00,000 वीडियोज़ किसी ने चलाए अपना फ़ोटोज़ चलाए हों तो वो तो अरबपति है, अब भाई ठीक ठाक गुजारा कर लोगे बस। एक मैं सिर्फ लास्ट प्रोटिप देना चाह रहा हूँ, कुछ जो है ना आफ्टर इफेक्ट्स में काम करते हैं और थोड़ा सा एनिमेशन कर सकते हैं। जब भी आपको पता होगा कि अगर किसी ने हमने अगर एक एयरपोर्ट है, एक सिटी में एयरपोर्ट है और उसकी हमने एक वीडियो बनानी, अब ये मोशन ग्राफिक्स में थोड़ा आ जाएगा, ये अब कैमरा नहीं यूज़ करेंगे मोशन ग्राफिक्स में, जो कि आप सिर्फ आपके पास सॉफ्टवेयर है और आपके पास थोड़ा सा स्किल है। तो अगर कोई एनिमेटर है वो क्या कर सकता है, एक एयरपोर्ट का सीन करे कि जहाज लैंड कर रहा है और बीच में एक एग्जिट का साइन नहीं होता जो वो ट्रैफिक के लिए, वहां पे लिख दे इस्लामाबाद एयरपोर्ट। यस, अब देखें एक दफा वो वीडियो बनाएगा, वो दुनिया के हर शहर का नाम लिख सकता है उस पर, लाइक दुनिया के कितने हजारों शहर हैं तो उस पर नाम लिखते हैं लॉस एंजलिस एयरपोर्ट, फिर वो लिख सकता है दुबई एयरपोर्ट, कैनबरा, सिडनी, टर्की। तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसको, तो वो जो फिर जिसको जिस एयरपोर्ट का चाहिए होगा, अगर उसकी रियल कैमरे से फुटेज नहीं होगी तो वो एडिटर को कुछ तो ऐड करना होगा। तो ये भी एक एनिमेटर्स लोग भी इसको यूज कर सकते हैं। वो तो फिर खुलती जाती है ना, वो तो फिर आप यार UIs भी अपलोड कर सकते हो, ग्राफिक्स भी अपलोड कर सकते हो, बैनर टेम्पलेट्स भी अपलोड कर सकते हो, हज़ारों वो तो खुलती जाती है, लेकिन वो ग्राफिक डिज़ाइनरों के लिए वो लैदा रखेंगे, ठीक है। तो आई थिंक जहाँ से वी आर डन, एक लास्ट चीज़ है, आपने बात की थी कि मोबाइल के जरिए अपलोड, तो जैसा कि आपको पता कि शटरस्टॉक सबसे बड़ी स्टॉक एजेंसी है, शटरस्टॉक की जो लेटेस्ट ऐप है ऐप स्टोर से आप डाउनलोड करें और अपने मोबाइल से खींची हुई तस्वीर आप डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं। आपको लैपटॉप और आप लेट्स यूर इन रिमोट एरिया, मोबाइल सिर्फ आपके पास है, तस्वीर खींची वहाँ पे टैग करना है, वहाँ पे टाइटल्स ऐड करके आप
वहां से ही अपलोड कर सकते हैं, तो आपको और बहाना भी नहीं है कि लैपटॉप होगा बैठूंगा ट्रांसफर। अब मोबाइल तो भाई साहब के पास है, ठीक है, तो फोटोज की हद तक शटरस्टॉक की ऐप ही यूज कर सकते हैं। प्रो टिप, छोटे 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 आपको मिलते हैं लेंसेस, मैक्रो लेंस, क्या कहते हैं 120 फिश आई के लेंस, आपने देखा होगा यार, 1000 रुपए के अंदर अंदर ना मिल जाते हैं, तो मोबाइल पे लगते हैं। अगर आप मोबाइल से अपलोड करोगे तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप उनको इस्तेमाल करो, ठीक है। चूंटी की तस्वीर बिल्कुल करीब से लेकर, किसी फूल की तस्वीर किसी करीब के करीब लेकर, यार ये टेक्सचरी गद्दी भी पकड़ लो ना, तो इसका भी ये गद्दी का अलोन फुटेज बिक सकता है, ऐसे बिक सकता है फोटो इसका बिक सकता है, ठीक है जी। होटल्स में जाओ, फुटेज लेना है होटल्स पे जाओ, सड़कों पे जाओ, शहराओं पे जाओ, फेस्टिवल्स पे जाओ, मेलों पे जाओ, पॉलिटिकल जो भी होती है, राइट नाउ तो कोरोना है, बट जब इंशाल्लाह कोरोना ख़त्म हो गया या इसी की रिस्ट्रिक्शन के अंदर अंदर, रेस्टोरेंट्स पे बिजी रेस्टोरेंट एटमोसफियर, ठीक है, क्राउड्स की फोटोज। आप असल में ना इट्स कई बार ये होता है लोग समझे कि देखने वाली चीज़ की हम बना रहे हैं, नहीं, समटाइम्स थिंक अबाउट द सीन, ठीक है, उनको देखना नहीं है, उनको एटमोसफियर कलेक्ट करना है, ठीक है, कि जी यहाँ पे टीम बिल्डिंग हो रही है, यहाँ पे जी ना मेंटोरिंग हो रही है, यहाँ पे टीचिंग हो रही है, यहाँ पे एक्सरसाइज हो रही है, यहाँ पे पीपल ना आर गेटिंग फ्रेश ब्रेथ ऑफ एयर, यानी एटमॉस्फेयर आपको सेट करना है, हो गया जी। द एंड, मेरी तरफ से, इनकी तरफ से, अपना ख्याल रखिएगा एंड अस्सलाम वालेकुम, जाओ छा जाओ, पैसे कमाओ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ कि पैसे किस तरह कमाते हैं, ठीक है। तो इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न हाउ टू मेक मनी, जिस तरह बाकी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आप भी सब्सक्राइब करें, वो बेल शेल आइकॉन दबा दें, ताकि मेरा और आपका रब्ता हमेशा रहे। ठेक केयर, फिर से अस्सलाम वालेकुम।